हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश गढ़ जय इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि NPCIL के बारे में, NPCIL का एग्ज़ाम के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में हम वीडियो बनाए थे नोटिफिकेशन का, तो उसमें बहुत सारा मैसेज आ रहा है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि एग्ज़ाम कहाँ होगा, इसका सिलेबस क्या है, प्लांट ऑपरेटर का और ITI बेस पे जो अभी आया है वैकेंसी, तो इससे रिगार्डिंग हम बात करेंगे पूरा सभी से रिलेटेड। इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें आप तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। तो इसमें सिलेबस के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सिलेबस जो इसका है, पहले आपका दो एग्ज़ाम होगा, एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, दूसरा एडवांस टेस्ट होगा और तीसरा स्किल टेस्ट होगा। अगर आप ITI पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप प्लांट ऑपरेटर के लिए 12th लेवल पर भर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो एग्ज़ाम होगा, और प्रोसेस के बारे में भी बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि इसका क्या प्रोसेस है, बहुत लेट लगता है कि क्या है। तो इसमें पहली बात तो आपको जो फॉर्म का लास्ट डेट है उसके लगभग 2 महीने के बाद आपका बिल्कुल एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, कोई भी लेट एग्ज़ाम में नहीं होता। और NPCIL का प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, वही आपका DD हो जाने के बाद थोड़ा ज्वाइनिंग आने में इसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट होता है। पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 महीने में आपको बिल्कुल एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा और एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम होता है वो NPCIL जो है नरोड़ा, वो UP के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो वहीं पे उसका कैंपस में एग्ज़ाम होगा। अभी तक तो कैंपस में ही हुआ है, तो आगे इस बार भी हो सकता है कैंपस में ही हो। तो उसमें सारा व्यवस्था रहता है और वो सीट वाइज अपना एग्ज़ाम लेते हैं उसमें। तो आपको उसी सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसे वहीं पर एग्ज़ाम होता है, उसका खुद का अपना कैंपस है, उसी कैंपस में वो एग्ज़ाम लेते हैं। तो बहुत अच्छा तरीके से एग्ज़ाम होता है, फेयर तरीके से एग्ज़ाम होता है और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा वहीं पे। उसके बाद एग्ज़ाम में, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद पहला दिन आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, दूसरा और पहले दिन ही रिजल्ट आ जाएगा उसी टाइम 1 घंटा के बाद में। और फिर उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट उसी दिन हो जाएगा। अगर अगले दिन आपका, फिर उसके बाद अगले दिन अगर ITI पे भरे हैं तो स्किल टेस्ट होगा, अगर स्किल टेस्ट नहीं है तो आपका DB हो जाएगा। उसके बाद आपका हाइट वेट जो भी चेक करना है ये सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। पहला दिन एग्ज़ाम होगा, दूसरा दिन पूरा ऑल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका जो भी प्रोसेस है उसका ज्वाइनिंग से रिलेटेड वो सारा आपका कराया जाएगा। उसके बाद मेडिकल होता है, जो मेडिकल क्राइटेरिया होगा उसका मेडिकल होगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है, बहुत ही जल्दी इसका बिल्कुल आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, सभी चीज़ प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ा ज्वाइनिंग आने में समय लगता है इसका, बाकी सभी चीज़ प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही स्मूथली तरीके से हो जाता है। तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको बताएंगे कि 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन रहेगा और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। तो इसमें आपका 50 नंबर का रहेगा, जिसमें 20 नंबर का आपका साइंस रहेगा, 20 नंबर का मैथ रहेगा और 20 नंबर 10 नंबर का GK रहेगा। टोटल 50 नंबर है। तो इसे तैयारी के बारे में बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, आप कैसे तैयारी किए थे तो हम जो हम टॉप किए थे, तो इसे इसमें बारे में बहुत सारा मैसेज आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसका जो एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन का पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि NPCIL क्वेश्चन देती नहीं है, ना ही यहाँ पे क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, हो सके कोई भी प्रीवियस ईयर आपको मिल जाए, लेकिन बहुत ही कम ही चांस रहता है कि आपको प्रीवियस ईयर मिल पाए, क्योंकि क्वेश्चन लीक नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो जाता है कि मिल नहीं पाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, ज़्यादा इजी भी नहीं रहता है, आपको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे 1-लाइनर के तौर पर समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। 2022 से पहले जब एग्ज़ाम होता था तो थोड़ा हम भी देखे थे YouTube पे, तो थोड़ा बताया जाता था कि मतलब इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का कर दिया गया था, माइंड बेस्ड क्वेश्चन कर दिया गया था, जैसे SSC माइंड बेस्ड क्वेश्चन डालती है उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें एग्जाम की तैयारी में, आप रेलवे का PVS ईयर ले सकते हैं और एग्जाम से पहले हो सके तो 2 सेट आप SSC का भी बना सकते हैं, जो CHSL ये सब का है, तो बना लीजिएगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें आपको बिल्कुल जो भी रेलवे का है, आप प्रीवियस ईयर का अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का बुक है यहाँ पे, आप साइंस का बुक है, साइंस का बुक ले सकते हैं। अगर पहले बार तो आपको सिलेबस अच्छे से सब कवर होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे आपका है कि एग्ज़ाम में लेट होगा, तो बिल्कुल आपको अच्छे से सीरियस होकर तैयारी करना है। तो आप ले सकते हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर, यूथ कंपटीशन का बुक ले सकते हैं, जो स्क्रीन पर आ रहा है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे साइंस का बुक ले सकते हैं, फिर मैथ का बुक ले सकते हैं, और GK के लिए आपको ज़्यादा GK नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ही GK है 10 नंबर का। तो 10 नंबर का आप बिल्कुल रूसेंट से अगर पढ़ लीजिएगा, रूसेंट कंपटीशन का बुक है उससे पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल आपका निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स टेस्ट जब देंगे तो 40% 30% ऐसे करके जो क्वालिफाइंग लाना है कैटेगरी वाइज से देख लीजिएगा,
तो उसमें उतना ही मार्क लाना है और उतना ही में आपको बिल्कुल पास कर दिया जाएगा, उसका कटअप कोई भी नहीं निकलता है, सिर्फ पासिंग मार्क लाना है। आपका कटअप जो बनेगा, मेरिट जो बनेगा, वो ओनली एडवांस टेस्ट पे बनेगा। तो एडवांस टेस्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो आप प्रीलिम्स ऐसे ही थोड़ा बहुत अगर आपका जीके है, क्योंकि सेम ही है, आप अगर प्लांट ऑपरेटर के लिए पढ़ रहे हैं तो साइंस वही पढ़ना है, मैथ वही पढ़ना है, और जीके अलग से है, तो आप बिल्कुल लुसेंट पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और ये प्रीलिम्स है वो सभी के लिए सेम है, या आईटी पे भरे हो या कोई भी पोस्ट भरे हो, सभी के लिए सेम है। और यहाँ पे टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 1 घंटा में आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपका फिर यहाँ पे आपको एडवांस टेस्ट, जब उसी के बाद रिजल्ट आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद उसी दिन रिजल्ट आपका आ जाएगा उसी टाइम में, थोड़ा देर के बाद में। उसके बाद आपको फिर से एडवांस टेस्ट के लिए यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, फिर एडवांस टेस्ट के लिए आपको बुला लिया जाएगा और एडवांस टेस्ट आपको देना है। तो एडवांस टेस्ट में आप आईटीए पर अगर भर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन जो आपको रहेगा वो ओनली ट्रेड से रहेगा, ट्रेड के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और ट्रेड के लिए बुक ले सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर आईटीआई का जो पूछा हुआ है, तो इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल ये सब है वो सब आपको नहीं देखना है बिल्कुल भी। जो फार्मूला का बुक है, फार्मूला है, वो फार्मूला तो आपको अच्छा से याद रहना चाहिए, और जो वन लाइनर तौर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सब क्वेश्चन आप तैयारी कीजिएगा, ज़्यादा हार्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया है, चाहे न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, वैसा उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, मॉडरेट लेवल का आता है। तो जो प्रीवियस ईयर है बुक वो तो थोड़ा मोटा है, लेकिन आप उसको, क्योंकि कोई भी आधार चाहिए पढ़ने के लिए आपको, तो उसमें से आप बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो वन लाइनर के तौर पर क्वेश्चन है ऐसे करके, जो थोड़ा ईजी मॉडरेट है, वो आपको समझ में आ जाएगा खुद पढ़ेंगे तो। उस टाइम का क्वेश्चन आप तैयारी कीजिएगा, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल ये सब करने की जरूरत नहीं है, और करने से फ़ायदा भी नहीं आपको, तो वो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आप अगर 12th लेवल पे आप भर रहे हैं, तो 12th लेवल का जो सिलेबस है वो एडवांस में, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, तो 50 क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, दोनों में, आईटीआई हो या प्लांट ऑपरेटर हो, दोनों में 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम है, टाइम के लिए कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा टाइम है। और यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहेगा, तीनों चीज़ आपको रहेगा एडवांस टेस्ट में, अगर आप प्लांट ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं तो इसमें तीनों चीज़ रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथ पूछा जाएगा, बायोलॉजी नहीं रहता है। तो साइंस में आप यहाँ पे 12th लेवल का सिलेबस दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12th, क्योंकि देखिए जो कंपटीशन का सिलेबस है वो तो 10th 12th ये सब मिला के ही है सिलेबस बनाया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। 12th का आपको नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारा जैसे 12th में न्यूमेरिकल होता है ये सब, तो वो सब चीज़ नहीं पूछा जाता है आपको। कंपटीशन लेवल का जो साइंस होता है और उसके बाद आपका मैथ होता है, तो वो सब आपको पूछा जाएगा। जैसे आप रेलवे का प्रीवियसर मैथ ले लीजिए, उसके बाद रेलवे का प्रीवियसर साइंस ले लीजिए, तो आपका बिल्कुल काम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। अगर उसी को बहुत ही अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और आपको एग्ज़ाम में गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर एडवांस टेस्ट में आप बैठ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि गलती करेंगे तो आप बहुत ही कैंडिडेट से पीछे रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल NPCIL में गलती अगर कर दिए तो आपका कोई भी बिल्कुल सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपका एक गलती से बहुत ही कैंडिडेट से आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें मतलब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है और ज़्यादा ईजी भी नहीं रहता है, जिसे आप गलती अगर कर देंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कम होने का चांसेस है कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, वो बिल्कुल सही सही बनाइए, जितना भी बने उतना ही बनाइए, गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि हम भी थे उस टाइम तो बनाए थे जब, तो यहाँ पे एक गलती हुआ था बाकी सारा सही हुआ था, तो बिल्कुल आपको भी गलती लेके नहीं चलना है, गलती बनाना ही नहीं है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। बाकी अगर आपको अच्छे से कोई और बुक लगता है कि हम इससे तैयारी कर सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, हम ये सब पढ़े थे, तैयारी किए थे उस टाइम, रेलवे का अच्छे से तैयारी किए थे, प्रीवियस ईयर बनाए थे, और SSC का एग्जाम से पहले आप जरूर एक सेट, दो सेट MTS CHSL है ये सब का लगा लीजिएगा, बिल्कुल आपको बहुत ही हेल्प करेगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि उसी बेस पे, यही प्रीवियस ईयर बेस पे बिल्कुल आपका ये NPCIL क्वेश्चन डाल, पिछले बार जब हम एग्जाम दिए तो बिल्कुल उसी बेस पे क्वेश्चन आया था। तो यही सब था इस वीडियो में, बहुत सारा मैसेज आ रहा था, बहुत सारा कि आप एक वीडियो बना दीजिए इसके बारे में, तो आई होप कि सभी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, और तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।